सभी प्रकार के फल बहुत ही सेहतमंद होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जब बात उनके जूस की आती है तो बाज़ार में इनकी मांग बढ़ जाती है और जूस में मिक्स फ्रूट जूस की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां कम हो सकती है। यह इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी हटाता है, जिससे हमें पाचन में मदद मिलती है और यह वजन घटाने में भी हमारी मदद करता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि फलों का सेवन करने से बेहतर है मिश्रित फलों के रस का सेवन करना। जूस आज न केवल होलसेल या रिटेल में परोसा जाता है, बल्कि आजकल इसे अस्पताल, एयरलाइन, रेलवे, होटल, रेस्टोरेंट में भी भेजा जाता है। आपने इसे खाद्य सेवा उद्योगों में भी इस्तेमाल किया होगा। इस लोकप्रियता को देखकर एक बार जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो इसका कभी न खत्म होने वाला लाभ होता है। इसलिए आज मीडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए फ्रूट जूस मेकिंग बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है। प्लांट एंड मशीनरी, फ्रूट वॉशिंग टैंक, जूस स्टोरेज टैंक, जूस एक्सट्रैक्टर, मिक्सिंग टैंक विथ स्टीरर, बेबी बॉयलर, स्टीम जैकेटेड किटल, बॉटल वॉशिंग एंड फिलिंग मशीन, श्रिंक पैकेजिंग मशीन, एसएस यूटेंसिल्स, वेइंग स्केल्स, हैंड ग्लोव्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, फ्रूट्स, शुगर, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग बॉटल्स, लेबल्स एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस एक्सेट्रा। प्रोसेस, सबसे पहले आपने मिश्रित फलों का रस तैयार करने के लिए अपने कच्चे माल की संरचना और सूत्रीकरण तय किया है। फिर उसके अनुसार पल्प एकत्र किया जाता है। अब स्टीम जैकेट वाले बर्तन को स्टीम मिनरल वाटर की मदद से गर्म किया जाता है। अब इस बर्तन में केवल कच्ची चीनी डाली जाती है और हिलाते हुए कच्ची चीनी की चाशनी तैयार की जाती है। इस कच्ची चाशनी को पाइप की सहायता से मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है और इस टंकी में सभी फलों का पल्प निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इस टैंक में कच्चे माल की सभी संरचना ठीक से मिश्रित होती है। अब इस मिश्रण को छानकर होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है। इससे रस में मौजूद पल्प की मॉलिकुलर साइज का आणविक आकार कम हो जाएगा। अब रस को पाश्चराइजर से गुजारा जाता है, जहां नियंत्रित तापमान पर कुछ देर के लिए इसे गर्म किया जाता है। यहां से इसे इंसुलेटेड टैंक में स्टोर किया जाएगा, जिसके बाद तैयार जूस की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अब इस जूस को फिलिंग और कैपिंग मशीन की मदद से पैक किया जाता है। इस तरह आप फ्रूट जूस मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज ही मीडी से संपर्क करें और अधिक जानकारी जैसे मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें या नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर इस तरह के और बिजनेस आइडिया चाहिए तो कृपया हमारे YouTube चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें।